गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपकी कक्षा बीए सेकेंड ईयर के लिए है और बीए सेकेंड ईयर में आपका ब्रिटेन का संविधान पिछली कक्षा में हमने किया था और ब्रिटेन के संविधान में आपका जो लॉर्ड सभा है वो हुआ था कि किस प्रकार जो है ब्रिटेन की संसद के दो सदन है, लॉर्ड सभा और लोक सदन। लॉर्ड सभा उच्च सदन है और लोक सदन निम्न सदन है। तो हमने पिछली कक्षाओं में ब्रिटेन के संविधान में आपका लॉर्ड सभा का टॉपिक पूरा हो गया था और आपका अगला टॉपिक है अब इसमें ब्रिटेन के संविधान में लोक सदन या कॉमन सभा। तो देखिए आपका बीए सेकेंड ईयर की क्लास और इसमें आपका टॉपिक है ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद में लोक सदन। ब्रिटेन की संसद में लोक सदन कि ब्रिटेन में संसद में दो सदन है, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। तो आपकी लॉर्ड सभा हो गया था और कॉमन सभा का टॉपिक आज का आपकी कक्षा का जो टॉपिक है वह ब्रिटेन में लोक सदन। तो देखिए ब्रिटेन में लोक सदन जो है वो संसद का निम्न सदन है। तो ब्रिटेन में ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं। पिछली कक्षा में आपको बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं, ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं, लॉर्ड सभा उच्च सदन है और दूसरा है कॉमन सभा या लोक सदन जो कि प्रथम व निम्न सदन है। प्रथम व निम्न सदन है जबकि उच्च सदन जबकि ये द्वितीय तथा उच्च सदन है। तो देखिए लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दो सदन है ब्रिटेन की संसद के। लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, और कॉमन सभा जिसे हम लोक सदन कहते हैं वो प्रथम और निम्न सदन है। तो इस प्रकार ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं और हम आज जो है लोक सदन के बारे में पढ़ रहे हैं कि ब्रिटेन में जो है लोक सदन की क्या भूमिका है। तो देखिए लोक सदन जिसे कॉमन सभा भी कहते हैं, कॉमन सभा प्रथम व निम्न सदन है। प्रथम व निम्न सदन
है। तो देखिए ब्रिटेन में लोक सदन जिसे कॉमन सभा कहते हैं निम्न सदन है और इसमें जो है जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो देखिए लॉर्ड सभा में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से वहां पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनकर नहीं आते, क्योंकि वो जैसे पीयरिस होते हैं और जो वहां का विशेष उच्च वर्ग है उस विशेष उच्च वर्ग से वो लोग आते हैं। तो इस प्रकार लॉर्ड सभा में जो प्रतिनिधि होते हैं चुनकर नहीं आते हैं, वो अपने उच्च वंश और उच्च विशेषाधिकार प्राप्त लिए होते हैं और वो उस प्रकार से जो है वंशानुगत आधार पर या अपनी विशेष आर्थिक स्थिति के आधार पर उसमें सदस्य बनते हैं। जबकि लोक सदन में जो जन प्रतिनिधि होते हैं वो चुनकर आते हैं। तो देखिए इसमें लोक सदन में जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। इसमें जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं, जबकि लॉर्ड सभा में हम देखते हैं ऐसे निर्वाचन नहीं होता, उसमें लोग जो हैं वंशानुगत आधार पर या अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर विशेष उनके पास में जो प्रिविलेज होते हैं उसके आधार पर वो लोग उसमें सदन में आते हैं, उसमें निर्वाचन आधार नहीं होता। जबकि इसमें जो है लोक सदन में निर्वाचन प्रमुख आधार है और इसी के आधार पर जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा जो है वह बहुत ही दुर्बल सदन है, जबकि लोक सदन जो है बहुत ही शक्तिशाली सदन है, क्योंकि इसमें प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग लोक सदन ही करता है। व्यवस्थापिका यानी संसद व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग इस सदन के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर इसका आधार लोक सदन का प्रमुख आधार निर्वाचन है और निर्वाचन के आधार पर ही जनप्रतिनिधि इस सदन में चुनकर आते हैं। तो देखिए लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली सदन है, लॉर्ड सभा दुर्बल सदन है इसकी तुलना में, और ये संसद की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग इसी के द्वारा किया जाता है। तो देखिए संसद की सर्वोच्चता वहां पर है, तो हम कहते हैं कि व्यवहार में ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता से हमारा आशय संसद की सर्वोच्चता से हमारा आशय लोक सदन की सर्वोच्चता से है। लोक सदन की सर्वोच्चता से है, लोक सदन की सर्वोच्चता से है। तो देखिए संसद की सर्वोच्चता का मतलब लोक सदन की सर्वोच्चता। तो देखिए इस प्रकार इंग्लैंड में जो है 1832 के सुधार अधिनियम में मताधिकार का विस्तार हुआ और इसमें मताधिकार जो है दिया गया। उसी प्रकार से 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं का मताधिकार दिया गया और इस प्रकार जो है ब्रिटेन में हम देखते हैं मताधिकार संबंधी
जो भी नियम है समय समय पर वहां पर कानून बनाकर उसे किस प्रकार से जो है दिया गया। तो ब्रिटेन में जो है संसदीय संप्रभुता का मतलब संसद सर्वोच्च है, और संसदीय संप्रभुता से मतलब लोक सदन की संप्रभुता से है, लोक सदन की सर्वोच्चता से है। तो देखिए इसमें संसदीय संप्रभुता, जैसे कि कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद के बारे में कि ब्रिटेन की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वो सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं कर सकती, इसके अलावा सारे कार्य वो कर सकती है। इसलिए हम ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता देखते हैं कि संसदीय सर्वोच्चता जो है ब्रिटेन में हमें दिखाई देती है। तो ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का हम सिद्धांत देखते हैं, और संसदीय सर्वोच्चता से हमारा तात्पर्य है कि लोक सदन की सर्वोच्चता। तो इसी प्रकार लोक सदन का संगठन हम देखते हैं कि लोक सदन का संगठन या रचना किस प्रकार से है। तो देखिए लोक सदन का संगठन, लोक सदन का संगठन या रचना, तो देखिए ब्रिटेन में लोक सदन की सदस्य संख्या 659 है। इस सदन की सदस्य संख्या 659 है, और इसमें विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, जैसे कि वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो देखिए इसमें विभिन्न क्षेत्रों से चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, और एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, यानी एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होता है, और इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, और निर्वाचन में प्रत्यक्ष मतदान के साथ प्रत्यक्ष मतदान के साथ गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। प्रत्यक्ष मतदान के साथ गुप्त मतदान प्रणाली अपनाई जाती है। तो देखिए इसमें सदस्य संख्या 659 है, और एक सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है, यानी एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति निर्वाचित होकर आएगा। इसी प्रकार से निर्वाचन में प्रत्यक्ष मतदान के साथ गुप्त मतदान प्रणाली इसमें अपनाई जाती है। तो इस प्रकार से लोक सदन का संगठन हम देखते हैं कि इसमें गुप्त मतदान के साथ प्रत्यक्ष जो है मतदान की इसमें बात की जाती है। तो देखिए इसमें लोक सदन का कार्यकाल हम देखते हैं, त्याग पत्र किस प्रकार से है। लोक सदन का कार्यकाल एवं लोक सदन का कार्यकाल, तो देखिए इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसमें एक स्पीकर जिसे हम अध्यक्ष कहते हैं, एक स्पीकर या अध्यक्ष होता है, एक स्पीकर या अध्यक्ष होता है, और
इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है और इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और संकट की अवधि में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए, इस प्रकार जो लोक सदन है वो लोक सदन इंग्लैंड में लॉर्ड सभा से बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है और इसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है क्योंकि इसका आधार जो है निर्वाचन है। तो इसमें प्रतिनिधि जन प्रतिनिधि होते हैं और वो चुनकर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। वंशानुगत आधार पर उनका किसी प्रकार का मनोनयन नहीं होता है, प्रमुख आधार उनके जो है आने का निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जन प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और वास्तव में व्यवहार में जिस प्रकार से ब्रिटेन में हम संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत हम देखते हैं कि ब्रिटेन में पाया जाता है और संसद की सर्वोच्चता से मतलब है कि लोक सदन की व्यवहार में सर्वोच्चता। तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो लोक सदन है वो लोक सदन किस प्रकार से लॉर्ड सभा से बहुत ही सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता का मतलब यही है कि लॉर्ड सभा एक दुर्बल सदन है जबकि लोक सदन उसकी तुलना में बहुत ही शक्तिशाली सदन है। तो इस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता या संसदीय संप्रभुता से मतलब है लोक सदन की सर्वोच्चता। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोक सदन का जो संगठन और संरचना किस प्रकार से हमने देखी और हम देखते हैं कि लोक सदन जो है लॉर्ड सभा की तुलना में इसका जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए, लोक सदन जो है परंपरा में इसका एक बार अधिवेशन होना जरूरी है और इसमें जो है सदन में वाद विवाद के लिए गणपूर्ति 40 है। सदन में वाद विवाद के लिए गणपूर्ति 40 है। तो देखिए, वाद विवाद के लिए गणपूर्ति 40 है किंतु प्रस्ताव पर मतदान के लिए गणपूर्ति आधे सदस्यों की उपस्थिति मानी जाती है। तो देखिए, इसमें बैठकें होती हैं और किस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो है कार्यकाल 20 का फिक्स होता है और ये इसके जो सदस्य निर्वाचित होने के कारण और किस प्रकार इसकी जो शक्ति और कार्य हैं वो लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही ज्यादा है, व्यापक है। तो हम देखते हैं कि इसकी कार्य और शक्तियां किस प्रकार हैं। तो देखिए, लोक सदन के कार्य और शक्तियां, लोक सदन के कार्य और शक्तियां, लोक सदन के कार्य एवं
शक्तियां। तो देखिए हम देखते हैं कि लोक सदन के कार्य और शक्तियां किस प्रकार से हैं। तो हमें कहते हैं कि लोक सदन जो है लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली है, और शक्तिशाली होने के कारण इसकी शक्तियां जो है लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और किस प्रकार से जो है लॉर्ड सभा की तुलना में ये शक्तिशाली सदन है, तो इसकी शक्तियां और कार्य हम देखते हैं। पहली शक्ति है विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो इसकी पहली शक्ति है विधि निर्माण संबंधी, विधि निर्माण संबंधी कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य वह शक्तियां। तो देखिए किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उस पर यह जरूरी है कि लोक सदन या लॉर्ड सभा या राजा सहमत हो, और किस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा किसी भी विधेयक को केवल एक वर्ष तक कानून बनाने के लिए उसे रोक सकती है, और अंत में वह विधेयक कानून बन ही जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड सभा केवल विलंबकारी सदन है, जो किसी विधेयक को केवल एक वर्ष तक के लिए ही रोक सकती है, और किस प्रकार हम देखते हैं लोक सदन 1949 के अधिनियम के तहत इसे पुनः जो है पारित कर देता है। और इस तरह विधि निर्माण के क्षेत्र में देखते हैं कि लोक सदन की जो शक्ति है वो अंतिम है। तो केवल लॉर्ड सभा किसी विधेयक को केवल एक वर्ष तक रोक सकती है, एक वर्ष तक रोक सकती है केवल एक वर्ष तक रोक सकती है उसके बाद अंततः वह विधेयक लोक सदन से पारित हो जाता है। देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि विधि निर्माण में लोक सदन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, और ये केवल एक वर्ष तक किसी विधेयक को कानून बनाने से लॉर्ड सभा रोक सकती है, और उसके बाद में यदि लॉर्ड सभा ने इसे एक वर्ष तक रोका और बाद में वह लोक सदन जो है इसे वापस से इसे पुनः पारित कर देता है, तो लॉर्ड सभा एक विलंबकारी सदन है, केवल विधेयक को वो रोकने का कार्य कर सकती है। और इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से जो है लोक सदन की महत्वपूर्ण शक्ति है कि वो विधेयक लोक सदन से पारित हो जाता है। तो हम कहते हैं कि लोक सभा एक विलंबकारी सदन है। अगला जो है वो हम देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति व कार्य। तो देखिए कार्यपालिका संबंधी शक्ति एवं कार्य में तो हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल संबंधी शक्तियां जो होती हैं वो किस प्रकार से लोक सदन में निहित होती हैं, और लोक सदन जो है अपनी किस प्रकार से मंत्रिमंडलीय शक्तियों का प्रयोग करता है, और यह जनता के प्रतिनिधियों का सदन है, और मंत्रिमंडल का गठन निर्माण में मंत्रिमंडल के निर्माण
एवं गठन में लोक सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोक सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किस प्रकार से हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधि जो चुनकर आते हैं, वो जनप्रतिनिधि चुनकर इसी सदन में आते हैं, ये जनप्रतिनिधियों का सदन है, और कार्यपालिका जो है अपनी नीतियां इसी सदन की सहमति प्राप्त करती हैं, और कार्यपालिका अपनी नीतियों का निर्माण इसी सदन में करती हैं। तथा अविश्वास पारित हो जाने पर त्यागपत्र दे देती है। विश्वास मत खो देती है तो क्या करती है, त्यागपत्र दे देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कार्यपालिका संबंधी जो कार्य हैं वो इसी सदन में होते हैं, मंत्रिमंडल संबंधी गठन और भी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो इसी सदन में किए जाते हैं, और किस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल के निर्माण में इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि हम लॉर्ड सभा जो है वो तो मनोनयन के आधार पर या वंशानुगत आधार पर होती है, जबकि ये निर्वाचित होने के कारण इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और कार्यपालिका संबंधी सभी कार्य इसी सदन में होते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनकर इसी सदन में आते हैं, और इस सदन में आकर हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करते हैं, और मंत्रिमंडल का गठन होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण होता है, और उसके संरचना में भी इस सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यदि जो मंत्रिमंडल हम देखते हैं किस प्रकार से जो है अपनी नीतियां बनाती है कार्यपालिका, और सदन सदस्यों की सहमति प्राप्त करती है, और विश्वास खोने पर वो त्यागपत्र दे देती है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल का गठन और किस प्रकार जो है अविश्वास पारित हो जाने पर जो सदन अपना त्यागपत्र दे दे मंत्रिमंडल जो है अपना त्यागपत्र दे देते हैं। तो इस प्रकार इसकी अगली शक्तियां हैं वित्त संबंधी शक्ति एवं कार्य। तो देखिए वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, तो हम देखते हैं वित्तीय संबंधों में भी जो है इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि लॉर्ड सभा तो केवल एक जो है ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जो है लोक सदन की तुलना में वो एक दुर्बल संस्था है, और किस प्रकार उसमें मनोनयन के आधार पर और उसमें वंशानुगत आधार पर सदस्य होते हैं, जबकि इसमें निर्वाचित होकर सदस्य जो है अपना पद प्राप्त करते हैं। तो हम देखते हैं कि वित्तीय संबंध में भी इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, और सारा बजट निर्माण सब इसी सदन में होता है। तो हम देखते हैं वित्तीय संबंध में भी लोक सदन को जो है लॉर्ड सभा की तुलना में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं, और लॉर्ड सभा जो है लोक सदन की तुलना में बहुत ही महत्वपूर्ण सदन है। तो वित्तीय संबंध में भी इसे जिस प्रकार हम देखते हैं कि विधि निर्माण में और कार्यपालिका संबंधी शक्ति कार्य से प्राप्त, उसी प्रकार से वित्तीय संबंध में भी जो है लोक सदन को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।